हेलो एवरीवन, माय नेम इज मौशमी दास। वेलकम टू स्टडी विजार्ड सी। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14। ये तीनों क्वेश्चन एक ही फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। बच्चों, इसमें हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? जो लास्ट वीडियो में हमने 11th क्वेश्चन किया था, जिसमें हमने बड़ा वाला फॉर्मूला देखा था, सेम वही फॉर्मूला हमें 12, 13 और 14 में यूज करना है। तो क्या फॉर्मूला था एक बार देख ले। x³ + y³ + z³ - 3xyz हमारा लेफ्ट साइड में रहता है इक्वल टू के, विच इज इक्वल टू x + y + z विद इन ब्रैकेट x² + y² + z² - xy - yz - zx। मैंने आपको बताया था इसको याद कैसे रखना है। फर्स्ट वाले ब्रैकेट में एक्स वाई जेड हमने लिख दिया, तो एक एक एक्स वाई जेड चला गया, तो बचे कितने? दो दो। या क्यूब वाले फॉर्मूले में एक चला गया तो दो बचे, तो x² y² z² पहले लिख देंगे। और देखो 3xyz के आगे माइनस है, तो बाकी जितने टर्म्स बचेंगे सबके आगे माइनस लगाना है। xy, yz और zx किस तरह से याद रखना है इस फॉर्मूले को। ओके, चलो अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें वेरीफाई वाला क्वेश्चन है ना। वेरीफाई दैट x³ + y³ + z³ - 3xyz इज इक्वल टू 1/2 x + y + z एक ब्रैकेट में, देन अगेन विद इन ब्रैकेट x - y² + y - z² + z - x² होल स्क्वायर। बच्चों, ये वेरिफिकेशन वाला क्वेश्चन है, तो हमें मालूम है कि हमें क्या करना रहता है वेरिफिकेशन वाले क्वेश्चन में। LHS इज इक्वल टू RHS करना रहता है। ये इक्वल टू किस तरह वाला पार्ट हमारा RHS रहता है राइट हैंड साइड, और इक्वल्स टू के इस तरफ वाला पार्ट हमारा लेफ्ट हैंड साइड रहता है LHS, है ना। तो यहाँ पे हम राइट हैंड साइड को लेके चलेंगे, और कहाँ तक पहुंचेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में। और दोनों हमें एट द एंड हमें x³ + y³ + z³ - 3xyz मिल जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? LHS विल बी इक्वल टू RHS हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान से देखो, ये जो आपका LHS वाला पार्ट है, ये आपको फॉर्मूले के पार्ट फॉर्मूले के लेफ्ट हैंड साइड वाले जैसा नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो हम अल्टीमेटली यहां तक पहुंचेंगे, है ना। ये यदि हमें मिल गया राइट हैंड साइड में, ये फॉर्मूले वाला पार्ट यदि हमें मिल गया, तो हम सिंपली उसकी जगह क्या लिख देंगे? x³ + y³ + z³ - 3xyz, और हमारा हो जाएगा LHS इज इक्वल टू RHS। तो चलो स्टार्ट करते हैं, RHS को लेके स्टार्ट करेंगे। यहां मैं लिख देती हूँ, सॉल्व स्टार्ट करते हैं। और RHS देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। RHS हमारा क्या है? हाफ ऑफ x + y + z एक ब्रैकेट में है, और नेक्स्ट ब्रैकेट में हमारा क्या है? x - y² + y - z² + z - x² अच्छा, एक और चीज, यहाँ एक और फॉर्मूला यूज हो रहा है, ध्यान से देखो। ये तीनों टर्म जो है क्या बता रहे हैं? a - b² तीनों में यूज होना है ना। तो a - b² एक बार तो आपको फॉर्मूला लिखना जरूरी है, जो फॉर्मूला आप यूज करने वाले हो, ठीक, अदरवाइज मार्क्स कट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या यूज हो रहा है? a - b² यूज होने वाला है, जो कि है a² + b² - 2ab। माइनस सिर्फ किसके आगे लगेगा? 2ab वाले टर्म के आगे, ठीक। उसको आप बीच में भी लिख सकते हो, लास्ट में भी लिख सकते हो। चलो पुट करते हैं। अच्छा, एक बार यहाँ पे साइड में मैं लिख के दे देती हूँ, जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो, डायरेक्ट हम पुट कर देंगे। x - y² क्या हो जाएगा? x² + y² - 2xy। देन हमारा y - z का होल स्क्वायर ये क्या हो जाएगा? y² + z² - 2yz, ठीक। और लास्ट वाला हमारा z - x² है, ये हो जाएगा z² फिर x² प्लस में फिर माइनस में 2zx। चलो इन तीनों को पुट कर देते हैं। तो यहाँ से हमारा RHS क्या बन जाएगा? हाफ है तो हाफ लिखा हमने, ये हाफ है हमारा यहाँ पे, तो पहले हाफ लिखेंगे, फिर फर्स्ट वाले ब्रैकेट को एज इट इज, उसको तो टच नहीं करना। देखो ऊपर हमारा xyz हमें फॉर्मूले में चाहिए, है ना। तो यहाँ पे xyz को हम बिल्कुल टच नहीं करेंगे, तो उसको एज इट इज लिख देते हैं x + y + z। फिर यहाँ पे खोल लेते हैं x - y² हमने यहाँ लिखा हुआ है, क्या है? x² + y² - 2xy। देन y - z² क्या हो जाएगा? y² + z² - 2yz, ठीक।
देन लास्ट वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे तो जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2z x। अब देखो यहाँ पे हमें जो सेकेंड वाला ब्रैकेट है उसमें एक भी टू नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर आपको दिख रहा है और यहाँ पे एक और एक्स स्क्वायर दिखेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाना है, 2x स्क्वायर। सिमिलरली वाई भी आपको दो मिल जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2y स्क्वायर, और जेड भी दो मिल जाएगा तो हो जाएगा 2z स्क्वायर। चलो कर देते हैं इसको, यहाँ से इन सबको मैं कर देती हूँ पहले इरेज। ठीक, अब यहाँ पे दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में x² + x² क्या हो गया, 2x² 2x² y² + y² क्या हो गया, 2y² और z² + z² हो गया 2z² ठीक। बाकी जो टर्म्स है हमारे एज इट इज लिख देते हैं, माइनस 2xy है, माइनस 2yz है, और माइनस 2zx बचे हुए हैं ना, तो इन तीनों को एज इट इज लिख देंगे। ये हो गया हमारा 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। अब ध्यान से देखो सबके आगे 2 है, तो इस इन सारे 2s को हम क्या कर लेते हैं, कॉमन निकाल लेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा जो बाकी जो ब्रैकेट वाला है वो मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ देखो कितना इजी है, हाफ यहाँ लिखा, 2 को कॉमन ले लिया तो 2 बाहर आ गया, विद इन ब्रैकेट फर्स्ट वाला ब्रैकेट एज आई टोल्ड यू अर्लियर उसे तो हम टच नहीं करेंगे बिल्कुल, नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में सब में से 2 हट जाएगा है ना, 2 को कॉमन ले लिया है क्योंकि हमने, तो बचा क्या, x² + y² + z² -xy - yz - zx, यही तो हमारा फॉर्मूला बोलता है। यहाँ देखो ये फॉर्मूला, यहाँ पे हमें राइट हैंड साइड वाला फॉर्मूला मिल गया, तो सिंपली हम लिखेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला। यहाँ देखो पहले तो ये 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में, तो बचा हुआ चीज हमारा क्या है, x + y + z, और दूसरे ब्रैकेट में x² + y² + z² - xy -yz - zx। ठीक, अब हम यहाँ पे मैंने ऊपर ही फॉर्मूला लिख दिया, फॉर्मूला यूज्ड, आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक, इस पोजीशन में आप क्या लिख दोगे, फॉर्मूला वी नो दैट दिस इज इक्वल टू x³ + y³ + z³ - 3xyz, और फाइनली हम आंसर में लिख देंगे क्या, x³ + y³ + z³ - 3xyz। जिनको नहीं समझ में आया फिर से देखो, ये वाला हमारा आ गया क्या, x + y + z, देखो x + y + z एक ब्रैकेट में, और दूसरा दूसरे ब्रैकेट में हमें x² + y² + z² - xy - yz - zx मिल चुका है, और दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस है ना, दिस राइट हैंड साइड वाला जो इक्वेशन है वो ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वेशन से इक्वल है, तो हम सिंपली राइट हैंड साइड को इक्वेट करके क्या लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाली इक्वेशन लिख देंगे। तो यहाँ से हमें जो प्रूफ करना था वो हमने कर दिया प्रूफ, यहीं से देखो हमारा, यही तो हमारा क्या था, LHS था है ना, तो देयरफॉर हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर RHS इज इक्वल टू LHS एंड प्रूफ। ठीक, इजी, मॉडिफाई करना है, यहाँ हमें बोला है x + y + z इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अब हमें मालूम है, वी नो दैट, हम क्या लिखेंगे पहले, वी नो दैट पूरा फॉर्मूला, कौन सा वाला फॉर्मूला, x³ + y³ + z³ - 3xyz इज इक्वल टू होता है x + y + z फर्स्ट वाले ब्रैकेट में, देन x² + y² + z² - xy - yz - zx है ना, तो इस तरह से हम पहले फॉर्मूला लिख देंगे। अब ध्यान से देखो, हमें x + y + z की वैल्यू क्या दी है, 0 दी है, तो यहाँ ये x + y + z की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। अब व्हेन यू मल्टीप्लाई 0 विथ एनी नंबर, एनी इक्वेशन आल्सो, क्या मिल जाएगा हमें, 0 मिल जाएगा। तो चलो उसको लिख के देखते हैं क्या होगा इसका, तो ये हो जाएगा x³ + y³ + z³ - 3xyz इज इक्वल टू, यहाँ हमें x + y + z की वैल्यू दी है 0, तो लिख दिया 0 मल्टीप्लाइड बाय x² + y² + z² - xy - yz - zx।
ठीक। और यहाँ पे रीजन लिखना जरूरी है क्योंकि गिवन में हमें दिया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, सिंस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हमने एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जगह पुट कर दिया क्या 0, तो ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई होके क्या हो गया 0। तो सिंपली हम क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू हो गया बड़ा वाला 0, है ना। क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ देखो हमें इस इक्वेशन तक पहुंचना था, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब है और राइट साइड में क्या है 3xyz, तो वी जस्ट हैव टू ट्रांसपोज दिस टर्म, तो हमें मिल जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो यहाँ पे दिस इम्प्लाइज सिंपली एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू, ट्रांसपोज कर देते हैं तो 3xyz, सो दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव या वेरीफाई, राइट। तो चलो अच्छे से समझ में आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना। नेक्स्ट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। देखो क्वेश्चन नंबर 14, अभी जो हमने प्रूव किया ना एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू यदि 0 होता है तो हमारा एक नया फॉर्मूला मिल गया। सारे फॉर्मूले का रिविजन हम लास्ट में करेंगे, मैंने आपको बोला था विल डू दैट, ठीक। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, इफ इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है तो हमारा जो फॉर्मूला बन जाता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू हो जाता है 3xyz, तो ये इस चीज का हमें यूज करना है हमारे क्वेश्चन नंबर 14 में। देखो कैसे यूज करेंगे, हाँ -2 यदि 7 यदि हमारा y है और 5 यदि हमने z ले लिया, है ना, और इन तीनों को यदि हमने सम कर दिया और यदि हमें इसका वैल्यू 0 मिला तो हम कौन सा फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, वी कैन यूज दिस फॉर्मूला, ठीक। और इस वाले क्वेश्चन में एक्चुअल में यही फॉर्मूला पुट करना है और इसी मेथड से हमको सॉल्व करना है, तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट 3xyz। तो चलो फटाफट देखते हैं कि कैसे करना है, उसके पहले पढ़ लेते हैं हमारे क्वेश्चन का स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, मतलब हमें क्यूब्स को कैलकुलेट नहीं करना है कि 12 × 12 × 12 किया उसके बाद उनको एड कर दिया सोल्यूशन ले आए, नहीं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, वी हैव टू यूज आइडेंटिटी, ओके, ये वाली आइडेंटिटी का यूज करना है, ओके, इसीलिए विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग बोल दिया है। चलो यूज करते हैं और देखते हैं हमें ये 0 मिलेगा, 100% मिलता ही है, ठीक। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से सिंस, यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस -12 +7 +5 इज इक्वल टू -12 +12 विच इज इक्वल टू 0, फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे कि इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, देयरफॉर हमारा क्या हो जाता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz हो जाता है। तो यहाँ ये एक्स है ना, ये वाई है और ये जेड है, ठीक। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब विल बी इक्वल टू 3xyz होना है, देयरफॉर -12 का क्यूब एक्स की जगह है प्लस वाई की जगह हमारा क्या है 7 का क्यूब है प्लस जेड की जगह हमारा 5 का क्यूब है, दिस विल बी इक्वल टू 3 × x की वैल्यू हमारी -12 इंटू वाई की वैल्यू हमारी क्या है 7 है इंटू जेड की वैल्यू हमारी 5 है। तो चलो इनको फटाफट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो 12 × 5 = 60 होता है ना, और 7 × 7 = 21 होता है, तो सिंपली 21 × 7 कर देते हैं और पीछे 0 लगा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 1470, ये होगा हमारा आंसर। तो और देखो एक ही डिजिट के आगे माइनस लगा हुआ है तो हमें मालूम है माइनस प्लस माइनस होना है, तो इसका आंसर हमारा माइनस में आएगा और इन सबको मल्टीप्लाई किया तो कितना मिल गया हमें 7 × 3 = 21, 21 × 7 किया तो 147 और पीछे 60 वाला 0 लगा दिया, ठीक है, कैलकुलेट करके देखना यू विल गेट द सेम आंसर, सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर, ओके, इजी था ना। नेक्स्ट वाला मेरे साथ करो फटाफट से, यहाँ हमारा क्या है सिंस 28 प्लस -15 प्लस -13 विल बी इक्वल टू ब्रैकेट हटा देते हैं 28, यहाँ देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा -15 सिंपली, और यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस 13 हो जाएगा। पहले इन दोनों को कर देते हैं क्योंकि हमें मालूम है माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, अब 28 − 15 भी कर दोगे तो वो भी गलत नहीं है, हमको मालूम है 0 तो आना है, 28 − 15 कितना होगा 13 होगा, 13 − 13 करेंगे तो
विल गेट व्हाट, जीरो। ठीक, तो यहां से हमारा क्या हो गया, वही फॉर्मूला लिखेंगे पहले एक बार। तो यहां से हम सीधे मैंने वैल्यू पुट कर रही हूँ, 28 का क्यूब प्लस माइनस 15 का क्यूब प्लस माइनस 13 का क्यूब, दिस विल बी इक्वल टू 3 इंटू एक्स क्या है हमारा 28 है, इंटू वाई क्या है हमारा माइनस 15 है, इंटू जेड क्या है हमारा माइनस 13 है। तो ये तो बड़ा वाला मल्टीप्लाई है, तो अलग से करना ही पड़ेगा, है ना। देखो 15 थ्री जो तो होता है 75, तो 75 को हम कर देते हैं अलग, बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना। 28 इंटू 13 कितना हो जाएगा, 8 थ्री 24 होता है, 2 कैरी गया, 3 टू 6 7 8, और यहाँ हमारा 8 और यहाँ 2 आना है, ये मिल गया हमें क्या 4, 16 का 6 1 कैरी, तो 364। अब इस 364 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 75 से, तो ये हमें इसको हटा देते हैं, 364 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20 का 0 2 कैरी, 32 का 2 3 कैरी, 15 16 17 18, यहाँ पे क्या जाएगा 7 8 28 का 8 2 कैरी, 42 43 44 4 कैरी, 21 22 23 24 25, ये आ गया 25। तो ये मिल गया 0 0 1 कैरी गया, तो ये हो गया 13, और ये गया 6 7 और ये 2। बहुत बड़ा मल्टीप्लीकेशन है ना। तो माइनस माइनस देखो, माइनस माइनस प्लस हो जाना है, तो साइन यहाँ माइनस का नहीं आएगा, सिंपली हमें क्या लिख देना है 273 और 00। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर फॉर दिस पार्ट। ठीक, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 14 यहीं पे खत्म होता है बच्चों, और आई नो अब आपको ये तीनों क्वेश्चंस बिल्कुल इजीली बन जाएंगे, है ना। चलो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, आज तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस सेशन का, नेक्स्ट वीडियो में हमें दो जो क्वेश्चन बचे हुए हैं मिडिल टर्म स्प्लिट वाले क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस को करेंगे। ओके, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स, बाय बाय।